हेलो यूके जी किड्स, वेलकम टू योर हिंदी सेशन। बच्चों, आज हम हिंदी में अंक की मात्रा के चार वर्णों के शब्दों का लेखन और उच्चारण करेंगे। सबसे पहले लिखिए डेट 16/12/2020, फिर हेडिंग डालिए अंक की मात्रा के चार वर्णों के शब्द और क्लास वर्क। बच्चों, ये शब्द आपकी बुक से लिए गए हैं। पहला शब्द है नवरंग। नवरंग, नवरंग यानी जिसमें नौ रंग हो। इसी तरह चिल्ड्रन सेकेंड नंबर में लिखिए ब द रंग। र के ऊपर अंक की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा रंग। ग बदरंग, बदरंग यानी बच्चों ऐसा रंग जो दिखने में अच्छा ना लगे। अगला देखिए बजरंग। बच्चों बजरंग यानी हनुमान जी का एक नाम होता है बजरंग। अगला है स मन यानी म में अंक की मात्रा द र समंदर। जो समंदर यानी समुद्र। नेक्स्ट पांचवें नंबर का शब्द लिखिए ह रिन यानी र में अंक की मात्रा हरिन द र हरिंदर। बच्चों हरिंदर किसी का नाम हो सकता है। इसी प्रकार मनिंदर म निन द र मनिंदर हरिंदर मनिंदर। अगला लिखिए गंगा। गंगा जल जल, गंगा जल यानी गंगा नदी का जल। अगला है वन शी धर। बच्चों वंशीधर कृष्ण जी का एक और नाम है जिनके पास वंशी यानी बांसुरी होती है। और लास्ट वर्ड है घन टा घंटा घर घर। घंटा घर यानी जहां पर टाइम बताने के लिए एक बड़ी सी घड़ी लगी होती है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से शब्द लिखे? नवरंग बदरंग बजरंग समंदर हरिंदर मनिंदर गंगा जल वंशीधर और घंटा घर। बच्चों इस प्रकार आपको भी अंक की मात्रा के इन चार वर्णों के शब्दों का लेखन और उच्चारण अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। सो डू इट वेल किड्स, थैंक यू, बाय बाय। Now kids, welcome to your English session. Children, today in English we will continue our previous class topic, use of has and have. As I have told you that we will use has for one person, thing and animal. And we will use have for you, they and I and we. Okay? So first you have to mention today's date 16/12/2020. Then write the heading use of has and have as classwork. Now children, again revise it with me. She dash a dog. So she has or have? Yes, she has a dog. Next, you dash a book. So you have. You के साथ हम क्या use करते हैं? Have. You have a book. Next, they. So children, there are the two or more than two person. So we will use have. They have a car. एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज ही डैश एन ऑरेंज। ही मींस एनीवन बॉय। ओके, सो ही हैज एन ऑरेंज। चिल्ड्रन कैन यू सी हियर आई हैव यूज्ड एन ऑरेंज। व्हाई? बिकॉज ओ इज अ वाउ। ओके, नेक्स्ट आई डैश अ बॉक्स। सो आई हैव अ And we have. I and we के साथ हम क्या use करेंगे? Have. Okay? So children, this way you have to complete this work in your English notebook and do practice of this topic has and have. So do it well kids. Thank you. Bye bye. Now kids, welcome to your math session. Children, today in math we will again revise and write the table of 7. Now children, write it with me. So first you have to mention today's date 16/12/2020. Then write the heading table of 7 and class work. So children, today we will write table of 7 two times. One time write with me and other side you have to write by yourself. Okay. So 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 threes are 21. 7 fours are 28. 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are
49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, and 7 10s are 70. This way, one more time you have to write the table of 7 other side of the page. Okay kids, and try to learn the table of 7. Do it well kids. Thank you. Bye bye.